वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मनाहिल मेरे साथ मौजूद हैं, लेकर आई हैं आपके लिए तीन गर्मा गर्म गुड न्यूज और कुछ आपके मैसेजेस। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मनाहिल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इतना अच्छा तुमने कलर पहना हुआ, इट लुक्स सो नाइस। और इसका जो बस लगता है मैंने बनाया है, मतलब सीधे सीधे दो कैंची से काटा। आसान आसान, फ्लोई फ्लोई, आजकल ऐसा ही तो चल रहा है। जो जितना भी खुली चीज हो वो आपके साइज की है। यस, एग्जैक्टली, हर बंदा पहन सकता है और इजी है, तो बस वेरी नाइस, बहुत अच्छी लग रही है। मैसेजेस हैं, तस्वीरें हैं, बहुत ज्यादा खबरें हैं। ठीक है, तो भाई खबरों की जानिब सबसे पहले बढ़ते हैं। तो पहली खबर हमारी यूके से है कि पाकिस्तान की एक ताल्लुक रखने वाली जो कि यूके में रहती है, उनका नाम अलीना एहसान है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती हैं और वो मेडिसिन पढ़ रही हैं इस टाइम, और उन्होंने 2023 में किंग्स गोल्ड मेडल हासिल किया है। और वो इस तरह किया है कि सैंडरिंगम हाउस में उन्हें ये किंग्स गोल्ड मेडल मिला था और इवन किंग चार्ल्स से उन्हें मिलने की भी इवन यू नो शर्फ हासिल हुआ था। वाह जी वाह। और देखें कि वो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, बिल्कुल वो एक ऐसे एंजॉय कर रही है अपनी इस पूरे कामयाबी को, एंजॉय कर रही है और ये इनको किंग्स मेडल मिल रहा है। बल्कि वो अपने वालिदैन का सिर्फ नाम नहीं रोशन कर रही, बल्कि पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं। Exactly. अलीना, we are so proud of you. शाबाश, good luck. अगली खबर की जाने बढ़ें तो उनका नाम है हसनैन खान, okay. जो कि रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं और वो एक टांग की वजह से डिफरेंटली एबल्ड हैं। ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें तो वो इंजीनियर हैं। तो जब वो छोटे थे और वो डिफरेंटली एबल्ड थे, तो जब वो अपने हॉस्पिटल्स में चेकअप कराते थे तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि भाई ऐसे तो गुजारा नहीं है, तो उन्होंने अपनी कमजोरी को अपना ताकत बनाया। और मजे की चीज ये कि उन्होंने एक मस्नूई टांग को लॉन्च किया है। ठीक है, एग्जैक्टली। और वो मजे की बात यह कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है और उसके अंदर जो मोटर है, आपका जो घुटने का जोड़ होता है, जब आप उसको लगाएंगे तो घुटने के जोड़ के साथ वो मोटर आपका काम करेगी और आप नॉर्मल तरीके से आप काम कर सकेंगे और आप इवन चल भी सकेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। आप देखिए रॉड के जरिए, बिल्कुल वो नीचे पांव सा बना हुआ है और ऊपर जो आप घुटने की बात करेंगे वो मोटर, एग्जैक्टली, आप घुटने के साथ फिक्स करेंगे तो आप उसको आराम से आप लोग चल भी सकते हैं, आप नॉर्मल तरीके से काम भी कर सकते हैं। भाई हसनैन, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। देखे ना, अब उसकी अपनी एक चीज, एक चैलेंज था जिंदगी का, बिल्कुल बिल्कुल, और उसने सोचा कि अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। एंड आई बिलीव हम लोग एक छोटी छोटी, मतलब हम लोग इन नेमतों को एक्नॉलेज नहीं करते, जिन लोगों के ऊपर गुजर रही होती है उनको एक्चुअली पता होता है कि ये चीज क्या है, तो हमें हमेशा शुक्र करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और हसनैन, गुड लक, शाबाश। वैसे इनको भी किसी दिन हमें शो में बुलाना चाहिए और इसकी पूरी थोड़ी डिटेल जाननी चाहिए। एग्जैक्टली। तीसरी खबर की जाने बढ़े तो वो घाना की है, जो कि साउथ अफ्रीका का मुल्क है। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि अगर जिंदगी बचाने के लिए टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है, तो भाई घाना जो है वो मेडिकल सर्विसेज के लिए वो हम सब से, बल्कि बहुत से ममालिक से दो हाथ आ गए। और वो इस तरह के, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खून की बोतलें खुदा ना खास्ता दरकार हैं, तो भाई वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। Yes. अगर इमरजेंसी में खून चाहिए किसी एक ब्लड ग्रुप का, तो वो ड्रोन के जरिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पहुंचाएगा। ना सिर्फ बल्कि खून की बोतलें, बल्कि मेडिसिंस, अद्वियात, वैक्सीनेशंस, बहुत सी चीजें आप ड्रोन के थ्रू आप मुंतकिल कर रही हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा आसान तरीके से, लोग कन्वीनियंस से हो रही है। ड्रोन उन्होंने बना, तैयार खड़ा है और ये अब कुछ लेके जा रहा होगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड आइडिया। इवन वो लोग नजर भी रख रहे हैं, अगर कहीं पे कोई भी वबा भी फैल जाती है तो वो वहां पे निगरानी भी करते हैं, बिकॉज उसके अंदर कैमरा फिक्स्ड है, ताकि वो लोग चेक इन भी कर सकें। इंटरेस्टिंग। ये देखिए जनाब, ये खून की बोतलें हैं के अतियात जो है, खून की जो बॉटल्स हैं, वो ड्रोन के जरिए, बिल्कुल दूर अफ्तादा गाँव देहात या छोटी मेडिकल फैसिलिटीज, जहाँ पे शायद सड़क के जरिए जाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, बिल्कुल वहाँ विद इन मिनट्स ड्रोन के जरिए बिल्कुल मेडिकल अद्वियात जो है वो पहुंच, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तस्वीर की जाने बढ़ते हैं जी। हूर फातिमा है रावलपिंडी से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। लो जी, रावलपिंडी वालों को वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। हूर फातिमा ने, ओए होए होए होए, हूर फातिमा ने जनाब, ये तो मुझे लगता है मामा जो है वो बेबी की पिटाई कर रही है, बिल्ली और बिल्ली, उसने कोई शरारत की है। ठीक है ना जी, ओ ये देखो जी, ये तो मुझे फ्रेंडली फाइट चल रही है, बहुत ही खूबसूरत है ना, मामा और बेबी की, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत है। भी नाम इनका रखा है जी कीनू, ठीक है, और माल्टा, डन हो गया। मामा का नाम है कीनू और जो बेबी का नाम, उसका नाम मैं रखा माल्टा, डन हो गया। रिदा शाहिद है, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी है लेकिन शहर नहीं बताया। ओके, चले रिदा बताइएगा अगली बार। स्केचिंग बहुत अच्छी है और खुद ही लिख दिया क्यूट। उन्होंने कैसे पहले कि तौसीक अंकल और मनाहिल आप ही कहें क्यूट, मैं खुद ही लिख दूं क्यूट। बिल्कुल, ये वाकई बहुत क्यूट है भाई, वेरी नाइस, जबरदस्त, बहुत अच्छी है।
जबरदस्त मछली भी रंग बिरंगी, वेरी नाइस बहुत अच्छा है। जारिया है हरिपुर से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। लो जी हरिपुर वालों को वेलकम कहेंगे। सरसों के खेत तैयार है, खूबसूरत हरिपुर का मंजर है, वाह जी वाह। जारिया थैंक यू वेरी मच। ओ लो जी तितली भी पकड़ ली, मतलब पकड़ ली मींस कैमरे की आंख से पकड़ ली है। अस्मा शकील चौधरी है आजाद कश्मीर से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। लो जी अस्मा शकील चौधरी को हम वेलकम कहेंगे। और ये फूल तो ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई फूल जो खंबे होते हैं लाइट के, ये खंबे ही हैं। अच्छा नहीं नहीं भाई मिनाल तुम्हारी नजर ठीक है। ओ गाजर का हलवा भी आ गया अभी खंबों के साथ, वाह जी वाह जबरदस्त। मोहम्मद सोहेब है लैया से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। लो जी लैया वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। लश ग्रीन जिसे कहते हैं ना, वाह 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 सरसब्ज खेत ब्यूटीफुल भाई। लैया की अच्छी सैर कराई आपने, बिल्कुल। मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। तो अहमद सुभान है बूरे वाला से, वो कहते हैं तौसीक सर कैसे हैं, जिंदगी में जब आप कॉलेज लाइफ में थे तो क्या मजामीन सेलेक्ट किए, साइंस रखी या आर्ट्स या अपनी मर्जी से मजामीन चुने, या वालिदैन ने कहा कि बेटा कल को फ्यूचर आपका सिक्योर होगा तो जो हम कह रहे हैं वो कर लो। सर आपका जवाब बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे घर में भी ये मसला चल रहा है। अच्छा ये वाकई बहुत घरों का मसला है। देखिए भाई कैसे मैं आपको बताऊं भाई, मेरे वालिदैन जो है ना इस मामले में बड़े रिलैक्स थे। उन्होंने हम सब बहन भाइयों को वो करने की छूट दी जो हम करना चाहते थे। मिसाल के तौर पे मैं कुछ नहीं करना चाहता तो मेरे अब्बा ने कहा चल एक को तो मैं अफोर्ड कर लूँगा ज़िंदगी भर, तू कुछ भी ना कर। लेकिन मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने मजामीन रखे थे, मैट्रिक मैंने साइंस में की थी, केमिस्ट्री फिज़िक्स बायोलॉजी जैसे साइंस मजामीन होते, और एफएमए मैंने रखा था इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स और सिविक्स, और फिर बीए मैंने किया था अगेन इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स। सो बिल्कुल अपनी मर्जी के मजामीन रखे थे। ये अलहदा बात के स्टैट्स में फिर मेरी सप्ली आ गई थी लेकिन कम से कम मजामीन के साथ साथ जो ज़िंदगी में करना है ना वो असल में अपनी मर्जी का होना चाहिए कि आपको जिस चीज़ का शौक़ है। फिर आगे चलकर मीडिया पढ़ने का मुझे शौक़ था तो मेरे वालिद ने मुझे इनक्रेज किया, और बिहाइंड द कैमरा एज अ प्रोड्यूसर मैंने ट्रेनिंग हासिल की एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मैं जब ट्रेनिंग ले रहा था तो वो दो साल के उस पूरे डिप्लोमा ट्रेनिंग के अंदर अच्छा। मेरा जो मेजर था जिस चीज़ में मैंने स्पेशलाइज किया था आपको यकीन नहीं आएगा वो था कैमरा वर्क। ओके सो मैंने बिहाइंड द कैमरा एक कैमरा कैसे ऑपरेट करता है और लाइटिंग और कैमरा इसके अंदर मेरी स्पेशलाइजेशन थी और काम मुझे करना पड़ गया इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो अभी ये साहब देख फादी है ना मेरे तरफ देख कैसे यूं कर रही हूं, अब ये सोच रहा है कि किस दिन मुझे छुट्टी करनी पड़ी तो तौसीक भाई खुद ही कैमरा चला लेंगे, मैनेज कर लेंगे, मसला नहीं है। शंदाना है कोहाट से, तौसीक सर कैसे हैं, एक बात पूछना चाहती हूँ बल्कि मशवरा लेना चाहती हूँ कि मैं किताब बीनी करना चाहती हूँ लेकिन इस पर कंसिस्टेंट नहीं हूँ, एक दिन छोड़ दूँ तो किताब पढ़ना फिर भूल जाती हूँ, कभी मुकम्मल नहीं हो पाती। सर कोई टिप दें कि मैं उस किताब को जो पढ़ रही हूँ मुकम्मल कर लिया। अच्छा उसमें दो चीज़ें, पहली बात है कि कभी होमवर्क ना करो तो क्लास में वो जो टीचर है वो डांटते थे ना, वो कहते थे नाश्ता करना भूले, नाश्ता नहीं भूले ना तो फिर होमवर्क करना कैसे भूल गया, कहते थे भूल गया या रह गया या। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप खाना खाते हैं आपके जिस्म की गिज़ा है तो आपकी सोल के लिए आपकी आपकी रूह के लिए आपके इंटेलेक्ट के लिए आपकी फिक्र के लिए आपके जहन के लिए आपके ब्रेन सेल्स की भी एक गिज़ा है और वो है इल्म, वो है मालूमात। तो जिस तरह से आपको सुबह शाम दो वक्त की रोटी या तीन वक्त की रोटी या पानी पीना याद रहता है, बिल्कुल इसी तरह से आप नफसियाती तौर पर अपने ब्रेन सेल्स को ट्यून कर लें कि अरे आज रात हो गई या आज मैंने किताब नहीं पढ़ी, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जब ये अपनी फीलिंग अपने अंदर उतार लेंगे और एक किताब को अपना दोस्त नहीं अपनी खुराक समझने लगेंगे, दोस्त भी वैसे आपके लिए बहुत कुछ नरिशमेंट का बायस बन रहे होते लेकिन किताब को आप अपनी ग़िज़ा समझें, किताब को अपने रूह की अपने इंटेलेक्ट की खुराक समझें तो ये मसला हल हो जाएगा। राबिया सवा गार्डन से कहती हैं तौसीक सर ये तो हम जानते हैं कि आपका लगाव सबसे ज़्यादा इंसानों के बाद जानवरों से है और आपकी चलाको जॉय आपकी फेवरेट है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर डॉग्स एंड कैट्स के अलावा कोई जानवर आप जो घर रखना पसंद करेंगे तो वो कौन सा है? ये इसमें तो कोई भी खरगोश बहुत अच्छा पेट हो सकता है, खरगोश शरारती बहुत होते हैं और वो जो आपके पौधे हैं उनके साथ उनके बड़े दुश्मन होते हैं, बिल्कुल। लेकिन खरगोश भी रखा जा सकता है,
मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरा एक भतीजा है, उसका नाम है शहरयार, ठीक है, वो रहता है मैड्रिड स्पेन में, ठीक है, ठीक है जी। अब उसकी स्पेशलाइजेशन आपको पता क्या है? वो सांपों और जो बड़ी बड़ी लिजर्ड्स होती है ना, बड़ी छिपकली होती है जो कि 6-6 फुट, बिल्कुल, उनके रेस्क्यू और उनका स्पेशलिस्ट है। ओ, और आप यकीन करें कि उसके अपने घर में 2 पालतू सांप हैं। ओह माय गॉड। और वो इतने खूबसूरत सांप हैं और वो जहरीले सांप नहीं है। हम तो सांप को देख के कहते हैं अरे सांप, बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों ने सांप जैसे जानवर भी पाल रखे हैं एज अ पेट, बिल्कुल। सो स्काई इज द लिमिट, जानवरों से अल्लाह की तमाम मखलूक से मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन मैंने खैर बिल्ली कुत्ते के अलावा कोई कुछ और उस तरह से नहीं रखा, लेकिन खरगोश आई थिंक मेरी ऑप्शन होगी। बिल्कुल। नबीला फातिमा सून वैली से कहती हैं, सर आपने अपने शो में एक दरख्वास्त ज़रूर ऑन करनी है और वो ये है कि PTV की मैनेजमेंट तक पहुँचानी है। जी बताइए। कि स्टार एंड स्टाइल शो की टाइमिंग्स थोड़ा जल्दी कर दें। 9 बजे मेरा स्टडी टाइम होता है, शो में मिस नहीं कर सकती। राइजिंग पाकिस्तान की तरह ये भी मेरा फेवरेट है और आपका शो मेरे अब्बू बहुत ही शौक से देखते हैं। अरे नबीला, नबीला नाम है जी? हाँ जी। नबीला थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो आपके अब्बू का बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक स्टार एंड स्टाइल का ताल्लुक है तो भाई ये देखें ना आपके अच्छा कल अभी हमने उसका टाइम चेंज किया, फिर क्या किया, मेरा खाने का टाइम जो है ना, मेरे नाश्ते का टाइम, मैंने कॉलेज जाना होता है, तो अब जो राइजिंग पाकिस्तान को थोड़ा अर्ली कर दें तो भाई। लेकिन आपकी फरमाइश सर आंखों पर। आसिम या टिवाना जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस शो की जान है और हमारे कराची सेंटर की प्रोडक्शन है, आपका मैसेज उन तक पहुंच गया, लेकिन इसकी आपको मैं इसका हल बताऊं। देखिए हमारा अपना पूरा एक पूरा प्लान होता है, टाइमिंग होती है, उसको एकदम से हटाना, आगे करना, पीछे करना, ड्रामे भी चलने होते हैं, वो शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ऑनलाइन जाके देखा करें ना जनाब, आप रीरन में देखा करें ना जनाब। और बिल्कुल हम भी स्टार एंड स्टाइल के बड़े फैन हैं, बड़े ज़बरदस्त सुपरस्टार्स उसमें आते हैं, मैं भी बड़े शौक से देखता हूँ। लेकिन इसका हल ये कि आप ऑनलाइन यूट्यूब पर जाके इन शोज़ को, जिसमें राइजिंग पाकिस्तान भी शामिल है, जुगन का हमारा मॉर्निंग शो शामिल है, सुंदस जमील का जो हमारा वीकेंड का शो है, शमून हाशमी का हमारा रात गए है, डिफरेंट शोज जो PTV PTV होम की जान है, इस गुलदस्ते का हिस्सा है, इनको आप सबको YouTube पे ऑनलाइन जाकर देख सकती हैं। That's it, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया बनाहिल, थैंक यू वेरी मच। राइजिंग पाकिस्तान में साथी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मोहम्मद अफजल खान जदून आज हमारे साथ होंगे, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और आज ये बहुत ही एक अहम मौजू पे बात कर रहे हैं, और वो है खुला, जो कि शरीयत शरण भी और कानूनन भी एक खातून को राइट हासिल है कि वो एक शादी को ख़त्म करना चाहे, लेकिन खुला के बारे में उमूमन बात बहुत कम होती है। ये तलाक जैसी कोई चीज़ है, तलाक से फ़र्क है, ये सारी डिटेल हम जानेंगे अफजल भाई से इस ब्रेक के बाद।